दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक बैंक सीपीएल टी20 का मैच नंबर 5 जो कि खेला जाएगा एसकेएन वर्सेस एसएलके के बीच में, सेंट किट्स वर्सेस जो है सेंट लूसिया नाइट्स के बीच में। यह मैच जो है सुबह में 4:30 पे होगा। इस वीडियो में आपको फुल स्टैट्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सेंट लूसिया किंग्स का ये जो है पहला मैच होने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट जो है आपको जानकारी दूंगा प्लेयर्स के बारे में, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। डायरेक्टली मैच के बारे में अब बात कर लेते हैं। सेंट किट्स वर्सेस सेंट लूसिया किंग्स, दोनों में से फेवरेट टीम की अगर मैं बात करूं, सेंट लूसिया की टीम जो है ना थोड़ी सी मेरी अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम जो है लग रही है, लेकिन सेंट किट्स की भी जो टीम है ना ये भी काफी अच्छा खेल के आ रही है। लास्ट मैच में इन्होंने 200 रन किया था। और भाई 4:30 पे मैच है, वार्नर पार्क जो है बेस्ट्री, ये जो है बेस्ट्री के वेन्यू पे मैच होगा। यहाँ की अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं तो बैट फ्रेंडली जो है आपको विकेट देखने के लिए मिलेगा। लास्ट के 5 अगर आप टी20 मैचेस में देखेंगे 190 एवरेज स्कोर है, तो भाई बहुत ही कमाल का यहाँ पर बैट हमें देखने के लिए मिलता है। फास्ट बॉलर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे, स्पिनर्स को जो है विकेट मिलती है। और अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर जो है लास्ट के मैचेस में 58 में से जो है 40 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा जो है रेन के भी चांसेस हैं, तो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। इन्वेस्ट पहले आपको नहीं करना है, जब जो है टॉस हो जाएगा उसके बाद ही जो है आपको इन्वेस्ट करना है इस मैच में। टाइमिंग का भी ध्यान रखिएगा कि 4:30 पे मैच है, तो आप अलार्म लगा के जरूर से सोइएगा, और अगर आप जो है अलार्म लगा के सोते हैं देन ये मैच जो है आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए मेरे भाई, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक आप जरूर से करें। बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की। इस वेन्यू पे अगर आप देखेंगे टी20 डोमेस्टिक लेवल के मैचेस की बात की जाए, टोटल 81 मैचेस हुए हैं, 37 टाइम्स बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 43 टाइम्स यहां पर जो है बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। एवरेज स्कोर 166 रन है, हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखेंगे 255 रन है, लोएस्ट स्कोर अगर आप देखेंगे 80 रन है। 81 मैचेस में क्या हुआ है, 24 मैचेस में 150 रन से नीचे का स्कोर बना है, 150 से 170 रन के बीच में अगर आप देखोगे 28 बार बना है, और 170 से 190 के बीच में 11 बार, 190 से ऊपर जो है 18 बार यहां पर स्कोर बना है। मान के चलना है यहाँ पर जो है बैट वाली आपको विकेट देखने के लिए मिलेगी, स्पिनर्स को जो है एडवांटेज रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि फर्स्ट मैच होने वाला है, काफी दिनों बाद जो है मैच, सॉरी यहाँ पर जो है लास्ट मैच हुआ था यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, और यहाँ पर जो है आपको बता दूं कि ये वाला मैच हुआ है, लेकिन इस मैच में आपको जो है उतने स्पिनर्स को विकेट लेते हुए जो है नहीं देखा गया है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बाकी स्पिनर्स के फेवरेट ये टीम ये वेन्यू जो है रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लास्ट मैच खेला गया था, 200 पर बना था, सेंट किट्स की टीम ने खेला था, 200 रन जो है इन्होंने चेसिंग करते हुए जो है बनाए थे, भले ही ये टीम हार गई थी लेकिन जो है अच्छे रन यहाँ पर बने थे। उसके पहले अगर आप 2023 में देखोगे ना यहाँ पर रन बने हैं, नो डाउट, यहाँ पर देखोगे 160 प्लस बना है, यहाँ पर देखोगे 190 प्लस बना है, यहाँ पर 200 प्लस बना है, और यहाँ पर 170 प्लस बना है, तो लास्ट के मैचेस में अच्छा खासा रन बनते हुए जो है देखा गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हेड टू हेड के रिकॉर्ड की, तो हेड टू हेड के रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे टोटल जो है 10 लास्ट के मैचेस में 3 बार सेंट किट्स की जो है टीम ने विन किया है, और सेंट लूसिया किंग्स की टीम ने जो है 7 बार विन किया है, तो सेंट लूसिया की टीम जो है फेवरेट रहने वाली है यहाँ पर, और ऑन पेपर भी इसका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। लास्ट ईयर 2023 में जो इनका मैच हुआ था एसएनके की टीम ने विन किया था, 2022 में 2 मैचेस हुए थे जो कि एसएलके की टीम ने दोनों मैचेस विन किए थे, 2021 वाला ये मैच जो है एसएनके की टीम ने विन किया है। लास्ट 5 मैच भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों ही टीम की रिसेंट फॉर्म की, तो एसएनके का ये सीजन अभी जो है ये पहला मैच होगा, अभी तक कोई मैच नहीं खेली है, लास्ट अपना 2 मैच खेली थी, लास्ट ईयर हार गई थी, लास्ट ईयर बहुत ही बेकार फॉर्म से चल रही थी। लास्ट ईयर के 5 अगर आप मैच देखोगे सिर्फ 1 मैच इन्होंने विन किया है और 4 मैचेस जो है इन्होंने लॉस किया है। वहीं अगर आप एसकेएन का देखोगे तो इनकी स्टार्ट जो है अच्छी हुई थी, पहला मैच जो है विन किया था, चेसिंग करते हुए ही जो है विन किया था, और ये लास्ट वाला मैच अपना जो है ट्रेबागो नाइट राइडर से हार के आ रही है ये टीम, लेकिन 206 रन मारना भाई छोटी बात नहीं होती है। एक चीज और भी अगर आप नोटिस करेंगे, लास्ट के 4 मैचेस में इन्होंने जो है बैट जो है सेकंड की हुई है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले हम एसकेएन की जो है प्लेइंग 11 देखेंगे, आंद्रे फ्लेचर के साथ में जो है कायले मायर्स ओपन करते हुए नजर आएंगे, वन डाउन पे इवन लुविस हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर मैकली लुविस है, फिर यहाँ पे ट्रिस्टन स्टब्स हैं, उसके बाद सेरफन रदरफोर्ड है, ओडेन स्मिथ है, डोमिनिक डार्क है, रियान जोन है, और उसके बाद एन ओटीजे हैं, और यहाँ पे तबरेज शम्सी है। ये एसकेएन टीम की जो है प्लेइंग 11 है जो की लास्ट मैच से ही ली गई है। कायले मायर्स और इवन लुविस आपको जो है लेफ्ट हैंडेड बैट करते हुए नजर आएंगे, इसके अलावा जो है सेरफन रदरफोर्ड आपको लेफ्ट हैंडेड बैट करते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पे डोमिनिक डार्क जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं और थोड़ी बहुत जो है बैट भी ये कभी कभी कर लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड जो है ये भी बैट करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं एसएलके की जो है प्लेइंग 11 की,
फास्ट ब्लू प्लेसेस के साथ में जो है टीम स्टैफर्ड ओपन करते हुए नजर आएंगे। वन डाउन पे जेसन चार्लेस है, उसके बाद हेनरिक क्लासन है, फिर भानुका राजापक्षे है, रोस्टन चेस है, डेविड वाइज है, खैरी पीरे है, अल्जारी जोसफ है और यहाँ पे मैथ्यू फोर्ड है और नूर अहमद है। तो ये जो है एसएलके टीम की प्लेइंग 11 है। नूर अहमद का स्पेशली ध्यान रखिएगा और तबरेज शम्सी का, दोनों जो है लेफ्ट आर्म जो है चाइना में गेंदबाज है और गाइज इस वेन्यू पे जो है काफी अच्छे विकेट ये दोनों प्लेयर जो है निकाल सकते हैं। तो किसको किसको ध्यान में रखना है, तबरेज शम्सी और जो है नूर अहमद को। वहीं अगर मैं बात करूं खैरी पीरे आपको जो है ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे, रोस्टन चेस ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे एसएलके टीम की तरफ से। एसकेएन की तरफ से अगर आप देखेंगे तो इनकी टीम में जो है बहुत ही कम जो है स्पिनर्स हैं और यहां पर काइले मायर्स जो है फास्ट बॉल तो आपको एक दो ओवर पावर प्ले के जो है करते हुए जो है दिख सकते हैं। अभी हम आपको वीडियो में बताएंगे, पहले प्लेइंग 11 दोनों ही टीम की दिख लीजिए और यहां पर प्लेइंग 11 के साथ साथ प्लेयर रोल भी हमने लिखा हुआ है। प्लेयर के स्टैट्स की बात करते हैं, फ्लेचर लास्ट मैच में जो है 0 पे आउट हुए, इवन लुविस 39 रन किए, पहले मैच में 29 रन किए, तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। वहीं काइले मायर्स जो है 0 पे 6 रन पे आउट हुए, 0 विकेट हैं दोनों ही मैचेस में, तो जो है बॉल से विकेट नहीं मिला है। मिल्की लोविस ने जो है लास्ट मैच में भाई 56 रन किया, अच्छी इनिंग्स खेली थी, तगड़ी इनिंग्स। ट्रिस्टन स्टब्स ने जो है लास्ट मैच में 39 रन की इनिंग्स खेली। रदरफोर्ड 1 रन पे आउट हो गए। बाकी अगर बात की जाए इनके अन्य प्लेयर्स की, तो भाई एडम स्मिथ 0 विकेट रहा और ये बॉलिंग भी बंदा करता है, बैट भी कर लेता है। अगर आप देखोगे 27 रन किया था पहले मैच में। डोमिनिक डार्क भी थोड़ी बहुत बैट कर लेते हैं, लास्ट मैच में जो है विकेट लेस रहे। दूसरी तरफ जो है रियान जोन, इन्होंने 25 रन किए, 1 विकेट लेकर गए। नोटीजे को 2 विकेट मिला, पहले मैच में भी जो है 1 विकेट मिला था। तबरेज शम्सी को दोनों मैचेस में 1-1 विकेट मिला है। ये लास्ट मैच की इनकी बॉलिंग अगर आप देखेंगे तो ये इनकी इसी वेन्यू की जो है बॉलिंग है, इसमें ए नोटीजे को 2 विकेट मिला था, 1 विकेट रियान जोन को, 1 विकेट तबरेज शम्सी को। पावर प्ले में अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो यहां पर आपको बता दें कि पावर प्ले में आपको जो है काइले मायर्स पहला तीसरा ओवर यही वो 2 ओवर डालेंगे, इसके बाद ये शायद से ओवर डालते हुए ना आपको दिखाई दे। उसके बाद जो है नोटीजे और रियान जोन जो है पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे और जो है डोमिनिक डार्क, रियान जोन और जो है नोटीजे, ये प्लेयर जो है आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए जो है मिलने वाले हैं एसकेएन टीम की तरफ से। एसएलके की प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इन लोगों का ये पहला मैच है। फास्ट डू प्लेसिस रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तगड़ा है और अगर आप सीपीएल के स्टैट्स भी देखोगे तो एवरेज जो है 29 का है, जो कि डिसेंट सा माना जाएगा। वेन्यू पर जो है अच्छा एवरेज है, 35 का है, आप देख सकते हो बढ़िया पिक रहने वाले हैं। टीम सेफर्ड लास्ट में 0 पे, उसके पहले 15 रन, 10 रन, 1 रन, 2 रन, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे इस बंदे का परफॉर्मेंस कुछ अलग ही अलग सीरीज में आता है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर तो है भाई और आप देख सकते हो रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बंदा कमाल करता हुआ जो है आपको नजर आ सकता है, अपने टीम में जरूर से रखिएगा। मोस्ट ऑफ द लोग इनको लेके आएंगे। हेड टू हेड में रिकॉर्ड जो है उतना अच्छा नहीं है अगर आप देखेंगे तो, और ना ही जो है सीपीएल में उतना अच्छा है, वेन्यू पर भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये बंदा जो है मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि ये आपको पॉइंट देके ही जाएगा। और इवन अगर मैं बात करूं पूरी सीपीएल में 1 से 2 ऐसे मैचेस होंगे जिसमें अगर आप इसको सीबीसी करते हो तो ये आपको जो है जीएल भी विन करा सकता है। जेसन चार्ल्स भैया ये जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अब पहले जो है कंसिस्टेंट नहीं थे लेकिन अब थोड़े थोड़े जो है पॉइंट्स करके ये दे रहे हैं और मैं बोल सकता हूं कि अगर आप रखते हो तो आपको ये निराश नहीं करेंगे। हेनरिक क्लासन आईपीएल में फॉर्म काफी अच्छा था, वर्ल्ड कप में उतना मौका नहीं मिला, अब देखने के लिए मिलेगा कि भैया क्या जो है कमाल करते हैं। भानुका राजापक्षे 100% ग्रैंड की पिक रहते हैं, आप जो है स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं। रोस्टन चेस बढ़िया ऑप्शन है लेकिन रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे इनका जो है रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, हालांकि ये अच्छी ऑप्शन है, बैट बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करते हो आपको नजर आएंगे। डेविड को लेके जाना भाई, बंदा डेथ में भी गेंदबाजी कर लेता है, अच्छी बैट भी करके देने वाला है, तो 100% मैं बोलूंगा स्टार प्लेयर है और अपनी टीम में जो है आप इनको जरूर से जगह दीजिएगा। अब अगर बात की जाए इनके टीम से जो है तो अल्जारी जोसफ आपको वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस यहां पर अल्जारी जोसफ की भी मिलती है, जो कि आपको अपनी टीम में जरूर से रखनी चाहिए। तो अल्जारी जोसफ को भी जो है अपनी टीम में आप जरूर से रखिएगा, ये भी जो है बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। रिसेंट फॉर्म में भी आप देख सकते हो हर मैच में ऑलमोस्ट जो है विकेट लेके जाते हैं। सीपीएल में टोटल 46 मैचेस में 58 विकेट है, हेड टू हेड में 6 मैचेस में 7 विकेट है और वेन्यू पर 20 मैचेस में जो है 23 विकेट है। मैथ्यू फोर्ड रिसेंट फॉर्म काफी कमाल का है, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ ग्रैंडी के लिए बहुत बढ़िया पिक रहने वाला है और अभी रिसेंट में बहुत अच्छा खेल के आ रहा है ये बंदा। नूर अहमद इस वेन्यू पर जो है लेफ्ट आर्म चाइना मैन गेंदबाज, भाई कमाल करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो नूर अहमद, तबरेज शम्सी आप जो है इनको जरूर से लेके जाइएगा, बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं ग्रैंडी की, स्पेशली अगर बात की जाए तो। स्मॉल लीग में आप ड्रॉप भी कर सकते हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पर टॉप पिक्स की, टॉप पिक्स यानी की प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से रहेंगे, देखो हमने टीम सेवर्ड का पहले ही नाम लिखा है क्योंकि जो है रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है लेकिन पिक बढ़िया रहने वाले हैं। रोस्टन चेस है, ट्रिस्टन स्टब्स है, डेविड वाइज है, एवेल लुविस है, आंद्रे फ्लेचर है, इन दोनों में से कोई एक ही चलता है ये भी मैंने नोटिस किया है, तो दोनों में से कोई एक ही रखना। मैंने दोनों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं क्योंकि काफी लोग ले रहे हैं, कायले मायर्स हो गए, फाग डु प्लेसिस हो गए, तो ये बढ़िया बढ़िया जो है प्लेयर्स हैं, आप अपनी टीम में जो है इनको आप पिक कर सकते हैं। स्मॉल लीग में सीबीसी की बात की जाए, टीम सेफर्ड, रोस्टन चेस, ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड वाइज सीबीसी के लिए बढ़िया ऑप्शंस हैं। हम किसको सीबीसी करेंगे वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। ग्रैंड लीग में अगर आप जा रहे हैं, इवेन लुइस, फ्लेचर, दोनों में से कोई एक चलेगा, 40 प्लस की जो है इनिंग्स खेलता हुआ आपको दिखाई देगा, तो जरूर से ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करना है। कायले मायर से मुझे बड़ी उम्मीद रहती है क्योंकि ये बंदा जो है बॉलिंग भी करता है, तो अगर पावर प्ले में विकेट लेके जाता है डेफिनेटली उस दिन जो है रन भी करेगा, जिस दिन विकेट लेके जाएगा ध्यान रखिएगा उस दिन रन करेगा, तो ग्रैंड लीग की टीम में मैं तो इसको सीबीसी जरूर से अक्सर ट्राई करता रहता हूँ। फाग डु प्लेसिस आईपीएल में बहुत अच्छे फॉर्म में थे और इस सीजन भी जो है हमें मुझे उम्मीद है कि ये जो है अच्छे फॉर्म में दिखाई देंगे। यहां पर सेंट किट्स की पूरी फुल स्कोर डिटेल है और सेंट लूसिया किंग्स की पूरी फुल स्कोर डिटेल है, तो दोनों ही टीम की आप यहां पर स्कोर डिटेल भी देख सकते हैं। अब गाइस अगर बात की जाए तो टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर से मेरे भाई ज्वाइन करिएगा। स्मॉल लीग की टीम, बैकअप टीम, मिनी जीएल की टीम सभी मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, तो आप टेलीग्राम का चैनल जरूर से जो है ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगी। चलिए ड्रीम इलेवन पे चलते हैं, जहां पे अपने हम 3 मेंबर 4 मेंबर की जो है टीम रेडी कर लेते हैं। मैच सुबह में 4:30 पे है, टेलीग्राम पर शायद से मैं फाइनल अपडेट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपको ये पता है मैं जो है सीपीएल के जो सुबह में मैचेस हैं वो मैचेस में कवर नहीं कर रहा हूं। विकेट कीपिंग सेक्शन से शुरुआत करते हैं, जेसन चार्ल्स, टीम सेफर्ड, फ्लेचर, तीन ऑप्शन है, एक ग्रैंड लीग की टीम ऐसी बनाना जिसमें जो है इन तीनों को अपनी टीम में लेके जाना। फिलहाल टीम सेफर्ड और जो है फ्लेचर दोनों को मैंने अपनी टीम में रखा है, इवन लुइस को लिया है और यहाँ पर फाग डु प्लेसिस को लिया है, ट्रिस्टन स्टब्स को अपनी टीम में लिया है। ऑलराउंडर से बात करूं, रोस्टन चेस हमारी टीम में आएंगे, मैंने कायले मायर्स को लिया है, डेविड वाइज को लिया है, साथ ही साथ अगर देखोगे तो डोमिनिक डार्क को यहाँ पर अपनी टीम में लिया है। अब बॉलिंग से अगर मैं बात करूं, अजारी जोसफ, ए नोटीजे दोनों डायरेक्टली हमारी टीम में आएंगे, आप तबरेज शमसी को अपनी टीम में रख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं बन पा रही है, मैं नहीं ले पाया हूं। मैथ्यू फोर्ड रिसेंट फॉर्म अच्छा है, अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में अच्छा करके आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको एक और ऑप्शन जो मिलती थी नूर अहमद की, नूर अहमद और तबरेज शमसी, मैं दोनों को स्पिनर्स को नहीं ले पाया हूं, मिनी जीएल की टीम में इनको मैं ट्राई करूंगा। सीबीसी की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट यहां पर वेस्टर्न चेस मेरे जो है कैप्टन रहेंगे, और वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूं तो देखो यार यहां पर आप अपने हिसाब से वाइस कैप्टनसी जा सकते हो। फिलहाल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने यहां पर कायले मायर्स को जो है वाइस कैप्टनसी दी हुई है, जो कि मुझे बॉल करते हुए अगर 2 ओवर बॉल करते हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली विकेट्स वगैरह निकाल के दे सकते हैं और 20-25 रन भी करके दे सकते हैं। टीम प्रीव्यू में एसकेएन के मैंने 6 प्लेयर लिए हैं, 5 प्लेयर मैंने एसएलके के लिए हैं। और अगर मैं टीम प्रीव्यू की बात करूं, फ्लेचर है हमारी टीम में, टीम सेफर्ड है, फाग डु प्लेसिस है, इवन लुविस है, ट्रिस्टन स्टब्स है, डेविड वाइज है, कायले मायर्स है, रोस्टन चेस है, डोमिनिक डार्क है, अल्जारी जोसफ है, ए नोटीजे हैं, तो ये हमारी टीम अभी के लिए रहने वाली है। फाइनल टीम आप अपने हिसाब से लगाइएगा, अगर मेरी 3 मेंबर 4 मेंबर अगर मैं खेलता तो मेरी टीम कुछ ऐसी हो सकती थी। ये फाइनल टीम नहीं है गाइस, इसको सेम टू सेम कॉपी मत करिएगा, आप अपने हिसाब से खेलिए। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, हमने जो स्टैट्स रिकॉर्ड्स बताए वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।